हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता मित्तल लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगी कि हम संडे के ही दिन क्यों छुट्टी का दिन मनाया जाता है, क्या रीज़न था इसके पीछे, कौन कौन से कारण रहे हैं और सप्ताह के इतने सारे दिन हैं उनमें सिर्फ संडे ही क्यों हैं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिशर्स के कारण माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके पीछे कारण दिया गया था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। अब आपको पता है कि भारत में सबसे पहले छुट्टी कहाँ हुई थी रविवार के दिन? ये छुट्टी भारत में सबसे पहले मुंबई में दी गई थी। अंग्रेजों के जाने के बाद यह परंपरा आज भी चल रही है छुट्टी के रूप में, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। चलिए जानते हैं उन कारणों को। भारत में छुट्टी के पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहानी ये है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग सातों दिन काम करते थे। इन मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 ईस्वी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी। इसके पीछे एक धार्मिक कारण और है। धार्मिक कारण ये है कि रविवार को छुट्टी के लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन यानी रविवार से मानी जाती है। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन ही बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती, तो जानते हैं उन्हें छुट्टी कब मिलती है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है, इस कारण से वहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी होती है। हालांकि ज़्यादातर देशों में रविवार को ही अवकाश माना जाता है। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी तुरंत नोटिफिकेशन आपको फिर मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।